ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं और हम जो क्रड एप्लीकेशन का काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका यहाँ पे हम सबसे लास्ट स्टेप अब रह गया हमारे पास, हाउ टू डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम माई एसक्यूएल डेटाबेस इन आवर एप्लीकेशन, ठीक है, पीएचपी एप्लीकेशन। अच्छा देखो, ये जो हम सारे ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, इसको क्रड ऑपरेशन कहा जाता है, ठीक है। और क्रड ऑपरेशन से अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्रड हम शॉर्ट में किस तरह से लिखते हैं, क्रड, और इसके अंदर सी स्टैंड फॉर क्रिएट, ठीक है, और फिर आर स्टैंड फॉर रीड, और फिर यू स्टैंड फॉर अपडेट, और लास्ट में डी स्टैंड फॉर डिलीट। मतलब क्रिएट का मतलब इंसर्ट करना, रीड का मतलब क्रिएट के लिए हम MySQL की कौन सी कमांड यूज कर रहे थे, इंसर्ट, और रीड के लिए सेलेक्ट, और अपडेट के लिए अपडेट ही यूज कर रहे थे, और डिलीट के लिए भी हम डिलीट का कीवर्ड ही यूज करेंगे, ठीक है। तो क्रड एप्लीकेशन का ये जो हम परफॉर्म करें, इसका लास्ट स्टेप आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे डिलीट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, मैं आपको अपनी एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे इंसर्ट, रीड और अपडेट का काम कर लिया, मतलब क्रिएट, रीड और अपडेट का काम कर लिया, अब डिलीट का काम रहता है। तो डिलीट के काम के लिए क्या करना है, देखो, अब जिस तरह मैंने हर रो के आगे एक एडिट का बटन जनरेट करवाया था ना, अब मैं जनरेट करवाऊंगा डिलीट का बटन, चाहिए, ताकि जिस पर्टिकुलर रो को मैं डिलीट करवाना चाह रहा हूं, मैं उसके ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। तो देखो, यहां पे आते हैं अपने व्यू डॉट पीएचपी के ऊपर, ठीक है, देखो व्यू डॉट पीएचपी के ऊपर आते हैं, और यहां पे देखो, मैंने ये जो अपने कॉलम डिस्प्ले करवाए थे टीडी की मदद से, उसमें सैलरी के बाद कौन सा एक लिंक जनरेट करवाया था एडिट के लिए, अब इसी तरह मुझे चाहिए किसके लिए, डिलीट के लिए, ठीक है। और ये काम मैं सारा व्हाइल लूप के अंदर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे हर रो के बाद एडिट और डिलीट के बटन चाहिए। तो देखो, ये जो दूसरी रो मैंने कॉपी की है, यहां पे मैं कह देता हूं डिलीट, ठीक है, इसका नाम हम रख लेते हैं डिलीट, और ये किसके अंदर बना रहा हूं, मैं लिंक के अंदर बना रहा हूं। और अब देखो, जब मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो यहां पे भी मैं आईडी भेजूंगा, यूआरएल से आईडी भेजूंगा, लेकिन इस दफा अपडेट डॉट पीएचपी के पेज पे नहीं, बल्कि एक दूसरा पेज बनाऊंगा डिलीट डॉट पीएचपी, उसके अंदर ये काम करूंगा, ठीक है। लेकिन अभी अगर मैं यहां पे सेव करूं, ठीक है, और आपको रिजल्ट दिखाऊं अपने व्यू डॉट पीएचपी का, ठीक है, यहां पे आते हैं, अब देखो डिलीट आ रहा है, लेकिन यहां पे देखो कॉल स्पैन का थोड़ा मसला है, मतलब एक मुझे और कॉलम बनाना है डिलीट के नाम से, और ये जो हमारे पास मेन हेडिंग है, इसको कॉल स्पेन हमने पहले कितना दिया हुआ था, 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ था, अब मुझे कॉल स्पेन कितना देना पड़ेगा, 7 देना पड़ेगा। तो यहां पे आते हैं, यहां पे देखो ये जो एडिट है ना, ठीक है, हेडिंग, इसके आगे मुझे एक और हेडिंग चाहिए, और उसका नाम क्या रखूंगा मैं, डिलीट, ठीक है। इसको सेव करते हैं और यहां पे आके रिफ्रेश करते हैं, तो देखो डिलीट की हेडिंग यहां पे आ गई। अच्छा देखो, ये जो TH है, इसके अंदर इसको अगर मुझे सेंटर में लाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट सेंटर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस पूरी रो को मैं बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई करके देखता हूँ, टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, अप्लाई नहीं हुआ, तो ये क्लास मुझे इंडिविजुअली अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास है, ताकि जो हेडिंग्स हैं वो भी अपने सेल के सेंटर में डिस्प्ले हो। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास डिलीट, ठीक है, इसको पेस्ट करते हैं और यहां पे आके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो देखो ये सारे डिलीट में आ गए। अब देखो यहां पे ये सारे सेंटर में आ गए। अब एम्प्लॉय डेटा जो है, ठीक है, इसको कॉल स्पेन देना है 7, ठीक है, तो यहां पे आते हैं टॉप पे, देखो यही है ना एम्प्लॉय डेटा, इसको कॉल स्पेन पहले कितने दिया हुआ है, 6, तभी वो 6 कॉलम्स के ऊपर स्टैच हुआ हुआ है, मुझे 7 के ऊपर, सबके ऊपर, तो कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखो अब ये सही आ गया। तो अब मुझे क्या करना है, देखो मैं जब डिलीट पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो वो आईडी लेके जाएगा, कौन सी, 12 लेके जाएगा डिलीट डॉट पीएचपी के पेज के पास, वो तो मैंने अभी बनाया ही नहीं है, तो वो बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आके कंट्रोल एन करता हूँ, ये खाली पेज आ जाएगा, कंट्रोल एस करते हैं और इसको मैं उसी फोल्डर के अंदर सेव करूंगा, ठीक है, सी ड्राइव में जाते हैं, रैम 64,
www और हमारे फोल्डर का क्या नाम था माय विद, और इसके अंदर देखो सारी फाइल्स इसी के अंदर मैं बना रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं ना उसका एक ही फोल्डर बनता है, याद रखना सारी फाइल्स इमेजेस हो जितने पेजेस हो वो सारे उसी फोल्डर के अंदर बनते हैं। तो यहां पे आके मैं कहता हूं डिलीट डॉट पीएचपी, ठीक है, और यहां पे आके एचटीएमएल का जो बेसिक कोड हम लेके आते हैं एचटीएमएल 5 टैप टैप, ठीक है, सिर्फ एक दफा टैप होता है एचटीएमएल 5 करने के बाद। और अब यहां पे मैं पीएचपी का बेसिक सिंटैक्स ओपन करता हूं। अब देखो जितना भी डिलीट का काम है वो मुझे इसके ऊपर करवाना है ना, तो यहां पे मैंने बताया था हर ऑपरेशन के लिए हम एक फाइल इंक्लूड करते हैं, कौन सी, डीबी कनेक्शन। तो इसके लिए हमने लाइन यहां पे लिखी हुई है, ठीक है, बल्कि यहां पे अपडेट पे हमने लिखी थी टॉप पे, ठीक है, देखो ये वाली लाइन इंक्लूड, ठीक है, इससे ये फाइल इंक्लूड करवा देते हैं हम, ठीक है, और इसको अब मैं इंक्लूड करवाऊंगा अपने डिलीट डॉट पीएचपी के अंदर, सही है। और अब यहां पे आऊंगा, सबसे पहले मैं देखो यहां पे अगर मैं आऊं, ठीक है, इसको अभी मैं रन करता हूं व्यू डॉट पीएचपी पे, देखो नुमान को मैं डिलीट करना चाह रहा हूं, नुमान की रो, इसके ऊपर डिलीट पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो कौन से पेज पे आ जाऊंगा, डिलीट डॉट पीएचपी, और देखो उसकी आईडी के अंदर आईडी आ रही है उसकी, क्या आ रही है, 12। तो अब इसको गेट करूंगा और डेटाबेस से सर्च करवाऊंगा कि इस आईडी पे कोई डेटा है, अगर डेटा है तो उसे डिलीट कर दो, ये काम करूंगा मैं, ठीक है, और ये काम करूंगा मैं इस पेज पे। तो अब यहां पे आता हूं, पहले ये जो वेरिएबल है क्यूरी स्ट्रिंग वेरिएबल आईडी, इससे मैं डेटा गेट करता हूं। तो यहां पे आता हूं, अब देखो हमने एक लाइन यहां पे लिखी हुई थी अपडेट अपडेट में, देखो ये वाली लाइन है जिसके अंदर मैंने नल कोलेसिंग ऑपरेटर यूज किया था, तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इसको हम कॉपी करते हैं और यहां पे ले आता हूं, ठीक है, इसको मैं यहां पेस्ट करता हूं। मतलब URL में जो ID जनरेट हो रही है 12, वो मैं कहां पे स्टोर करवा रहा हूं, ID के वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूं। और अब यहां पे मैं लिखता हूं क्यूरी, ठीक है, और क्यूरी, अब देखो डिलीट की MySQL की क्यूरी लिखनी है, वो है डिलीट कीवर्ड होता है, फिर फ्रॉम भी कीवर्ड होता है, और हमारे टेबल का क्या नाम है, एम्प्लॉय, मतलब डिलीट करो एम्प्लॉय के टेबल में से, वेयर, जहां पे आईडी बराबर हो, जहां पे आईडी बराबर हो इस वेरिएबल के, ठीक है, सिंगल कोट में मैं पास कर रहा हूं। अब देखो इस वेरिएबल के पास कौन सी आईडी है, 12 है, और वो 12 एम्प्लॉय के अंदर मौजूद है ना, तो मौजूद है तो ये हमें क्यूरी कौन सी रो रिटर्न करेगी, ये जो नुमान है, ठीक है, मतलब मैं बैक पे जाता हूं, ये जो नुमान की पूरी रो है ये हमें रिटर्न करेगी, ठीक है। तो अब देखो इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना है मुझे, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ रो, और इसके अंदर कौन सा मेथड यूज करूंगा एग्जीक्यूट करवाने के लिए, MySQLi क्यूरी, और इसके अंदर पास कर दूंगा, देखो पहले सबसे पहला आर्ग्यूमेंट कौन सा होता है, कौन, और दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है क्वेरी, और ये कौन कहां से आ रहा है, डीबी कनेक्शन की फाइल के अंदर से आ रहा है, ठीक है, मतलब अगर डीबी कनेक्शन में जाओ तो देखो ये जो कनेक्शन मैंने यहाँ पे ऐड करवाया था, क्योंकि यही कनेक्शन हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये वेरिएबल मैंने यहाँ पे पास कर दिया, अब यहाँ पे आ जाओ, देखो इसके पास आ गया ना, ठीक है, रो के पास, तो अब इसके ऊपर मुझे लगानी है कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या है, देखो मैं इसके अंदर पास कर देता हूं रो, ठीक है, ये जो वेरिएबल है, मतलब आप समझना, अगर मतलब ये जो क्यूरी है ये किसके पास स्टोर है, क्यूरी के वेरिएबल के पास, और इस क्यूरी के वेरिएबल को एग्जीक्यूट कौन करवा रहा है, MySQLi क्यूरी, मतलब अगर ये क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी तो MySQLi क्यूरी रो को क्या देगा, ट्रू, ठीक है, मतलब अगर ये क्यूरी, मतलब अगर उसे आईडी मिलेगी और अगर वो सक्सेसफुली इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर देगा तो रो के पास क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, इसको इफ की कंडीशन में रख रहा हूं, मतलब अगर ये ट्रू है इसके अंदर तो कौन सा पार्ट चलेगा, इफ का पार्ट, वरना कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा। तो अब मैं यहां पे आता हूं, अब मैं यहां पे क्या मैसेज प्रिंट करवाता हूं, एको, और यहां पे कहता हूं डेटा डिलीटेड, सही है, वरना एल्स में, एल्स में वरना क्या मैसेज शो हो जाए, फॉर एग्जाम्पल डेटा नॉट डिलीटेड,
ठीक है, तो यहाँ पे आऊंगा मैं कहूंगा इसको डेटा नॉट डिलीटेड, सही है। तो अब यहाँ पे आके इसको रन करते हैं और रिजल्ट देखते हैं कि हमारे पास डेटा डिलीट होता है या नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, व्यू डॉट पी एच पी को रिफ्रेश करता हूँ और अब ये जो नुमान का डेटा है इसके ऊपर डिलीट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या मैसेज आ रहा है, डेटा डिलीटेड। तो अगर मैं बैक साइड पे जाऊं, ठीक है, चेक करने के लिए, देखो अभी 12 का डेटा डिलीट नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं रिफ्रेश करूं तो देखो 12 चला गया, ठीक है, मतलब डिलीट सक्सेसफुल हमारे पास हो चुका है, ठीक है। इसी तरह अगर एक और मैं डिलीट करूं, डिलीट के ऊपर क्लिक करूं, तो देखो क्या मैसेज आया, डेटा डिलीटेड। और अगर बैक पे जाऊं और अब यहां पे आके रिफ्रेश करूं तो 11th रिकॉर्ड भी चला जाएगा। अभी इस चीज को भी सेट करते हैं कि हमें रिफ्रेश ना करना पड़े, ठीक है, इसको भी चेक करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे आते हैं, देखो डेटा डिलीटेड। अच्छा मैं चाह रहा हूं फॉर एग्जांपल डेटा नॉट डिलीटेड भी चले, तो ये जो डिलीट की क्यूरी है ना, इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं कोई मिस्टेक करता हूं, मतलब ये डिलीट तो MySQL का कीवर्ड है ना, अगर मैं इसके आगे कुछ ब्ला ब्ला लिख देता हूं, ठीक है, इसको सेव करता हूं और अब अगर मैं यहां पे जाऊं, इसको रिफ्रेश करते हैं और अब अगर 10th रो रिकॉर्ड डिलीट करने की कोशिश करूं, डिलीट पे क्लिक करता हूं तो क्या मैसेज आ रहा है, डेटा नॉट डिलीटेड। और अगर बैक पे जाऊं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये डेटा डिलीट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि क्यूरी में मिस्टेक है, सही है, एक ये पॉइंट हो गया। अच्छा अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं ये जो डेटा डिलीटेड का मैसेज आ रहा है ये ग्रीन कलर में आया, तो मैं यहां पे हमने एक टैग यूज किया था फॉन्ट, ठीक है, सही है, और इस फॉन्ट के अंदर मैं इसको कलर देता हूं, कलर फॉर एग्जांपल हम दे देंगे सिंगल कोट्स के अंदर, क्योंकि मैंने बताया था बाहर हम डबल कोट्स यूज कर रहे हैं, अंदर हमें सिंगल कोट यूज करना है, और मैं कलर दे देता हूं यहाँ पे ग्रीन। फिर इसी तरह यहां पे आते हैं और ये आना चाहिए रेड कलर में, ठीक है, इसको हम कलर दे देते हैं रेड और इसके एंड में ये फॉन्ट का टैग हम कर देते हैं क्लोज। मतलब देखो अगर आपको पीएचपी के अंदर टैग देना है एचटीएमएल का तो इस तरह से आप दे सकते हो, ठीक है, जिस तरह से मैंने बताया। तो इसको आप सेव करते हैं और यहाँ पे जाके अब मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे अगर आऊँ नवाज का डेटा डिलीट करूँ, डिलीट पे क्लिक करूँ, तो देखो अब किस कलर में आ रहा है हमारे पास डेटा डिलीटेड, ग्रीन कलर में, ठीक है, सही है, एक तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा फिर इसके बैक साइड पे आते हैं, अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ ये जो हमारे पास डेटा डिलीटेड का मैसेज आ रहा है, ठीक है, हमारे पास ये ना आए बल्कि हमारे पास एक अलर्ट आए, ठीक है, अलर्ट का मैसेज बॉक्स, तो मैं यहां पे आता हूं इसको कमेंट करता हूं इन दोनों को, ठीक है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, और यहां पे अब एको के अंदर मैं क्या पास करूंगा, स्क्रिप्ट का टैग, क्योंकि वो जो अलर्ट मेथड है वो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। तो यहां पे आते हैं इसके अंदर अलर्ट, और अलर्ट के अंदर मैं क्या कह दूंगा, ये मैसेज, मैसेज क्या दिया था हमने, डेटा डिलीटेड, ये मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूं और फिर इसी तरह इसको कॉपी करते हैं एल्स के पार्ट में, मैं यहां पे पेस्ट करता हूं और यहां पे इसको कह देते हैं डेटा नॉट डिलीटेड, इसको सेव करते हैं और आप यहां पे आके मैं रिफ्रेश करता हूं, ठीक है, सही है, यहां पे आके डिलीट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, ठीक है, तो देखो डेटा डिलीटेड, ओके करूंगा, देखो अभी मैं कौन से पेज पे हूं, डिलीट के पेज इसके ऊपर हूं, ठीक है, और बैक जाऊंगा और यहां पे आके अब रिफ्रेश करूंगा, 9th का रिकॉर्ड डिलीट किया था ना, यहां पे आऊं रिफ्रेश करूं तो ये डेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो अब मुझे दो काम करने हैं, मैं चाह रहा हूं जैसे ही मैं डिलीट करूं एक तो पॉपअप मैसेज आ जाए डेटा डिलीटेड, और डायरेक्ट वो नेविगेट कहां हो जाए, व्यू डॉट पीएचपी के ऊपर, और वो डेटा जो उसने डिलीट किया है वो उसे डिलीट हुआ हुआ नजर आ जाए, ठीक है। तो यहां पे देखो ये स्क्रिप्ट का टैग है ना, ठीक है, जहां पे मैसेज शो हो रहा है डेटा डिलीटेड, मैं इस अलर्ट के बाद सेमीकोलन लगाता हूं और इसके बाद में, अब देखो मैंने बताया था आपको नेविगेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच आर ई एल, और इसके अंदर सिंगल कोट्स के अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, कौन सा पेज, व्यू डॉट पी एच पी, ठीक है, इसको कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं और यहां पे आके अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, ठीक है। अब मैं 8th
रिकॉर्ड जो है इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट पे क्लिक करते हैं, मैसेज क्या आया, डेटा डिलीटेड, और ओके करूंगा तो देखो व्यू डॉट पीएचपी पे आया और अब 8 रिकॉर्ड डिलीट हो गया, मतलब रिफ्रेश करने की भी अब मुझे जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट भाई देखो, अभी मसला क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं डिलीट के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, डेटा डिलीट हो रहा है। मैं चाह रहा हूं जब डेटा ये डिलीट के ऊपर क्लिक करे तो एक कंफर्मेशन मैसेज आए ओके या कैंसिल। अगर ओके करूं उसके बाद डेटा डिलीट हो, अगर कैंसिल करूं तो डेटा डिलीट ना हो, क्योंकि गलती से भी तो डिलीट का बटन प्रेस हो जाता है। तो अगर इस केस में करूंगा तो डेटा डिलीट हो जाएगा, तो कंफर्मेशन मैसेज भी हम अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से, देखो मैं यहां पे आता हूं, ये जो हमारा व्यू का पेज है ठीक है, और यहां पे देखो ये जो हमने एक कॉलम बनाया था जिसके अंदर डिलीट के लिए लिंक था, सही है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कंफर्मेशन मैसेज आना चाहिए ना। तो देखो ये जो एंकर है ना, ये जो एंकर का टैग है, इसका एक एट्रीब्यूट होता है ठीक है, और उस एट्रीब्यूट को हम कहते हैं ऑन क्लिक। क्या एट्रीब्यूट है, ऑन क्लिक, मतलब जब मैं ऑन क्लिक करूंगा, जब मैं क्लिक करूंगा डिलीट के बटन पे तो क्या होना चाहिए, तो मैं चाह रहा हूं एक प्रॉम्प्ट मैसेज आए। आपको याद होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, अलर्ट होता है एक प्रॉम्प्ट होता है। अलर्ट सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करवाता है, प्रॉम्प्ट कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं, उसे अब मुझे यूज करना है। तो देखो ऑन क्लिक के अंदर अब मैं एक मेथड बना रहा हूं ठीक है, और उस मेथड का नाम रख रहा हूं मैं कंफर्मेशन ठीक है, मतलब मैं यहां पे इस मेथड को कॉल कर रहा हूं ठीक है, लेकिन अभी तक ये मेथड मैंने कहीं भी बनाया नहीं है, ये मेथड मैं अब बनाऊंगा। तो यहां पे आते हैं, कॉपी करते हैं इसको, इस मेथड के नाम को, और यहां पे देखो यहां पे मेरा बॉडी का टैग क्लोज हो रहा है ना, इसके अंदर मैं एक टैग ओपन करता हूं किसका, स्क्रिप्ट का, और इसके अंदर मैं बनाता हूं एक फंक्शन ठीक है। फंक्शन के लिए फंक्शन का कीवर्ड यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर भी और पीएचपी के अंदर भी, और यहां पे आके मेरे मेथड का क्या नाम है, कंफर्मेशन, इसकी मैं बॉडी स्टार्ट कर लेता हूं यहां पे ठीक है। और अब इसके अंदर मैं यहां पे यूज करता हूं कंफर्म ठीक है, हमारे पास एक मेथड होता है जिसका नाम है कंफर्म, और इसके अंदर मैं कौन सा मेथड दूंगा, सॉरी कौन सा टैग दूंगा, मैं यहां पे कहता हूं आर यू श्योर टू डिलीट डेटा, सही है ठीक है। मतलब देखो ये कंफर्म, इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूं, आर यू श्योर टू डिलीट डेटा, मतलब जब मैं अपने डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो कौन सा मेथड कॉल होगा, कंफर्मेशन का, और कंफर्मेशन के अंदर क्या है, कंफर्म। अब देखो यहां पे मैं एक कीवर्ड यूज करता हूं रिटर्न का, मतलब देखो जब कंफर्म करता क्या है, देखो कंफर्म एक अलर्ट मैसेज शो करवाएगा और उसमें क्या लिखा हुआ होगा, आर यू श्योर टू डिलीट डेटा, लेकिन इसके अंदर दो बटन आते हैं ओके के और कैंसिल के। अगर मैं ओके करूंगा तो इस फंक्शन को क्या रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा, लेकिन अगर मैं कैंसिल करूंगा तो इस फंक्शन को क्या रिटर्न होगा, फॉल्स रिटर्न होगा ठीक है। और अब देखो अगर मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन ऑन क्लिक को क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन अगर मैं कैंसिल पे क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन ऑन क्लिक को फॉल्स रिटर्न करेगा। अब देखो अगर ट्रू रिटर्न करेगा ऑन क्लिक को तो डिलीट डॉट पीएचपी पे चला जाएगा, लेकिन अगर ये मेथड ऑन क्लिक को फॉल्स रिटर्न करेगा तब वो डिलीट डॉट पीएचपी के ऊपर नहीं जाएगा और उसी पेज के ऊपर रहेगा। तो इस केस में क्योंकि देखो ये कंफर्मेशन का जो मेथड है ये ऑन क्लिक के इवेंट को कुछ रिटर्न करवाएगा, तो इस कंफर्मेशन का ये जो मेथड है इससे पहले भी मुझे यहां पे एक कीवर्ड लगाना है जिसका क्या नाम है, रिटर्न, क्योंकि अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो ऑन क्लिक के पास ट्रू रिटर्न होगा, और अगर ऑन क्लिक के पास ट्रू रिटर्न होगा तो वो डिलीट डॉट पीएचपी पे जाने देगा, लेकिन अगर यहां पे फॉल्स रिटर्न होगा तो इसका मतलब ऑन क्लिक को फॉल्स रिटर्न होगा, और जब फॉल्स रिटर्न होगा तो उस केस में वो डिलीट डॉट पीएचपी के ऊपर नहीं जाने देगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो अब देखो इसको मैं सेव करता हूं और यहां पे जाके मैं अपना पेज रिफ्रेश करता हूं ठीक है। तो देखो हमारे पास ये 7th रिकॉर्ड आ रहा है ना, मैं इसको डिलीट करता हूं। तो देखो जैसे ही डिलीट किया क्या कह रहा है, प्रॉम्प्ट आर यू श्योर टू डिलीट डेटा, अगर मैं कैंसिल कर दूं
तो देखो उस्मान का डेटा डिलीट नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूं दोबारा और अब मैं ओके पे क्लिक करता हूं तो मतलब ट्रू जाएगा। तो अगर मैं यहां पे ओके करूंगा तो देखो कौन से पेज पे आ रहा है, देखो टॉप पे देखो delete.php पे आ रहा है और मैसेज क्या आ रहा है, डेटा डिलीटेड। क्योंकि ये जो डेटा डिलीटेड का अलर्ट मैसेज था ये मैंने कहां कॉल करवाया हुआ था, delete.php में कॉल करवाया हुआ था। तो अगर जैसे ही देखो जैसे ये मैसेज आएगा डेटा डिलीटेड तो वापस वो कहां रिडायरेक्ट हो जाएगा, view.php के ऊपर। तो अगर मैं यहां पे आके ओके करूं तो अब देखो कहां पे आ गया, यहां पे आ गया और देखो 7th रो हमारे पास क्या हो गई, डिलीट हो गई। ठीक है, तो ये यहां पे हमने अब अपना जो सारे ऑपरेशंस थे वो कंप्लीट यहां पे कर लिए। ठीक है, मतलब इंसर्ट किस तरह से करवाते हैं, एडिट, डिलीट, ठीक है, अब सारे एक दफा रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे आता हूं, जो फर्स्ट टाइम हमारा पेज होगा वो कौन सा रन होगा, home.php जहां पे इंसर्ट करते हैं। तो मैं यहां पे आता हूं, फॉर एग्जांपल मैं ऐड करता हूं इमरान, ठीक है, 24 एज है और यहां पे इसको कह देते हैं असिस्टेंट और सैलरी हम कर देते हैं इसकी 20,000 और अब यहां से मैं इंसर्ट करता हूं। ठीक है, डेटा इंसर्टेड, ओके करूंगा तो यहां पे देखो, ठीक है, आप देखो 13 क्यों आ रहा है, क्योंकि बीच वाली तो सारा डेटा मैं डिलीट कर चुका हूं ना और आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है तो ये आगे से एक इंक्रीमेंट करती है, ये पीछे की फिलअप नहीं करती, ये याद रखना। तो आप देखो यहां पे मैं ये जो इमरान का डेटा है इसको एडिट करता हूं, तो देखो अपडेट का पेज आ गया और यहां पे फॉर एग्जांपल मैं इसकी सैलरी कर देता हूं 25 और अब अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूं तो डेटा अपडेटेड का मैसेज आया, ओके करूंगा तो हमारे पास यहां पे देखो उसकी सैलरी अपडेट हो गई। और अब अगर मुझे डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करूंगा तो पहले पूछेगा, अगर कैंसिल कर दूंगा तो डिलीट नहीं करेगा, लेकिन अगर ओके कर दूंगा तो delete.php पे जाके डेटा हमारा डिलीट कर देगा। ओके करता हूं तो यहां पे देखो 13 रिकॉर्ड डिलीट हो गए। सही है, तो इस तरह से हमने ये पूरी क्रड एप्लीकेशन यहां पे कंप्लीट किया जिसके अंदर क्रिएट मतलब इंसर्ट, रीड, अपडेट, डिलीट ये सारे काम परफॉर्म किए। क्लियर है यहां तक?